दोस्तों आ चुकी है 30 दिसंबर 2023 और पंजाब की पहली वंदे भारत के आपको सबसे पहले करा रहे हैं दर्शन। ये देखिए, ये हमारी टिकट और ये हमारी वंदे भारत। और आप देख सकते हैं ठंड के मौसम में भी लोगों में कितना उत्साह है। ये देखिए, वंदे भारत के लोकल पायलट भी देखो पूरी तरह से एक्नोलेज करते हुए होंगी के साथ। दोस्तों स्वागत कीजिए पंजाब की पहले वंदे भारत का। पंजाब की पहले वंदे भारत जो कि अमृतसर नई दिल्ली के बीच में चला करेगी, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये अमृतसर से सुबह 8:05 पे चला करेगी, 9:12 पे पहुंचा करेगी जलंधर कैंट, उसके बाद लुधियाना अंबाला कैंट होते हुए दिन के 1:30 पहुंचेगी नई दिल्ली। वापसी में ये नई दिल्ली से चलेगी लगभग 3:15 और शाम को 5:34 पे अंबाला कैंट, 7:26 पे जलंधर कैंट और 8:40 के आसपास ये अमृतसर पहुंच जाएगी। यानी कि 5 घंटे के लगभग ये टाइम लेगी अमृतसर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से अमृतसर, जो कि 450 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है। और इस रूट पे अभी जो सबसे तेज गति की जो गाड़ी है वो है अमृतसर शताब्दी, अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी, जो कि लगभग 6:10 के आसपास लेती है। मतलब आप इसका शेड्यूल देखेंगे तो 50 मिनट शताब्दी एक्सप्रेस से अमृतसर वंदे भारत कम लेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक, आरामदायक और कम समय में मतलब नई दिल्ली से अमृतसर आना जाना हो जाएगा। जलंधर लुधियाना अम्बाला, अम्बाला का तो चलो डिस्टेंस कम ही है, मेन अमृतसर लुधियाना जलंधर वालों को बहुत ही सुविधा हो जाएगी कम समय में आने जाने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जो चमचमाती सीटें देख रहे हैं ये आपको हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखिए वंदे भारत के दरवाजे खुल चुके हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। मतलब गाड़ी इतनी चमचमा रही है कि मतलब अपनी खुद की मतलब परछाई दिख रही है, जैसे आईने में इंसान अपने आप को देख पाता ना वैसे, मतलब हमारी खुद की इसमें मतलब देखिए पूरा एकदम शीशे की तरह अपनी अक्स दिख रहा है इसमें। थोड़ी आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग है, स्टार्ट है। दोस्तों आज का एक स्पेशल नंबर है 02487। ये देखिए सर पूरा रूट दिया हुआ अमृतसर दिल्ली। दोस्तों वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत देखिए, इमरजेंसी टॉक यूनिट भी दिया हुआ है, बस इसको दबाना है और बोलना है, जो भी आपकी दिक्कत है तुरंत ही सॉल्व की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये है वंदे भारत अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत का इंटीरियर लुक। ये देखिए मतलब कोच में अंदर आते ही एक लग्जरी फील आ रहा है, थैंक्स टू द इंडिया रेलवेज कि यात्रियों के लिए इतनी बढ़िया सुविधाएं दी हैं। देखिए सेंसर वाली लाइट्स हैं, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और इसके अलावा देखिए ट्रे है खाने पीने के लिए। ये देखिए
प्रॉपरली बंदा इसको यूज कर सकता है। और आपको एक चीज दिखाऊं, लेग स्पेस देखिए, मतलब 6.5 फुट का इंसान भी अगर हो ना, वो भी बड़े कंफर्टेबल बैठ सकता है इस सीट पे। दोस्तों, दो कोच के बीच का जो ज्वाइनिंग एरिया है ये वो है, और कहीं पता भी नहीं लगेगा कि ये ज्वाइनिंग एरिया। देखिए रेलवे की, मतलब कि स्केल देखिए, ये देखिए, ये ज्वाइनिंग एरिया है जहाँ पे दो कोच जुड़ते हैं। और रेलवे ने इतना अच्छा डेकोरेशन करा है, मतलब एक लग्जरी फील आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं, ऑटोमेटिक डोर अभी खुले हुए हैं। और ये देखिए, वंदे भारत में फर्स्ट एड किट भी दी हुई है डोर के पास में। ये इसका पेंट्री सिस्टम है, खाना को हॉट केस, खाना वगैरह गर्म करने के लिए। ये देखिए हीटर ऑन ऑफ, मतलब दाद देनी पड़ेगी। एक आलीशान ट्रेन की एहसास करा रही है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस। और उसकी टिकट बहुत ज़्यादा है, हम सोचते थे कि महाराजा एक्सप्रेस में या उसके जैसी ट्रेन में कभी सफ़र कर पाएंगे, पर आज सच हो गया, वंदे भारत में आज हम सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए, टोटली टॉप क्लास इंटीरियर, कंफर्ट, सेफ्टी, हर एक चीज़ का ध्यान रखा भारतीय रेलवे ने, और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वंदे भारत में ट्रैवल ज़रूर करें। ये देखिए, सर, पंजाब की पहली वंदे भारत चलाने का गौरव आपको मिला, तो आपको कैसा लग रहा सर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा जी, ये स्पेशल ट्रेन जो मोदी साहब ने चलाई है, और अमृतसर निवासियों को बहुत खुशी से ट्रेन थी कि हमारे को ये वंदे भारत जो पहली ट्रेन मिली है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो इससे पहले हमारे पास 2 शताब्दियां थी, और उसके वंदे भारत की कमी थी, वो भी पूरी होगी हमारी। सर, कहा जाता है कि पंजाब की जो भी लग्जरी गाड़ी होती है कश्मीर की, आप ही चलाते हैं, तो ऐसे क्या खास है कि आपको ही बुलाया जाता है? देखो, अपनी ट्रीम खुद तो मैं कर नहीं सकता, अधिकारियों की निगाह में अच्छा होगा, इसलिए मुझे ट्रेन मिल जाती है। तो सर, हम आपका सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं, और हम आपके साथ सफर करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप इससे भी बढ़िया ट्रेन चलाएं। ओके, वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, अपनी अमृतसर दिल्ली वंदे भारत 12:10 पे अमृतसर से निकलती हुई, आज इसका पहला रन है 30 दिसंबर 2023 को। आप देख सकते हैं कितना क्रेज है लोगों में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जलंधर के एमपी भी आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना क्रेज है कि एकदम गाड़ी के साथ खड़े हैं। ये देखिए, जलंधर के एमपी भी आए हुए हैं। ये देखिए, सिक्योरिटी पूरी है, माता जी खड़े हैं, ब्लैक कर रहे हैं। ये देखिए, और इधर से हमारे सारे रेल फैंस, ये देखिए यूट्यूबर्स, सारे एकदम तैयार ग्रैंड डिपार्चर कैप्चर करते हुए। आप देख सकते हैं सभी शीशे के लगे हुए हैं। आपको डिपार्चर कैसे लगा? 12:12 पे अमृतसर जंक्शन से निकलते, लो जी ब्रेक लग गई, ये नहीं पता क्यों लग गई ब्रेक। देखिए उत्साह, देखिए उत्साह, देखिए बाहर ठंड है पर अंदर। दोस्तों, 1 मिनट के होल्ड के बाद फिर दोबारा चल पड़ी है। देखिए पिकअप, देखिए वो एक्सेलेरेशन, देखिए कि एक जर्क फील करा है, मतलब इसे पता लग रहा है कि हाउ पावरफुल इट इज। बहुत चार, देखिए ब्रेक भी चेक की जा रही है, ब्रेक भी चेक की जा रही है, ब्रेक भी चेक की जा रही है। और ये देखिए सामने खड़ी है सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आपको वंदे भारत का अमृतसर जंक्शन से पहला डिपार्चर कैसे लगा? प्लीज ये देखिए कैसे कैप्चर हो रहा है।
और इधर एक और ट्रेन आ चुकी है, चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। ये देखिए, स्वागत करती हुई चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस इंटरसिटी। नए के चक्कर में पुराने नहीं छोड़ना। ये देखिए क्रेज, देखो देखो, लोग ट्रैक पे खड़े हैं पर अपनी सुरक्षा को ध्यान नहीं देते हुए। ये देखिए, ये क्रेज है पंजाब की पहले वंदे भारत का। ये देखिए एक मोए मोए लगाया है यहाँ। अच्छा दिखाइए। हाँ, ये हमारे भाई ने एक अच्छी चीज बताई है। ये देखिए पुल पर, देखो ये देखो ये देखो, ये क्रेज है पंजाब के पहले वंदे भारत। दोस्तों ये है वॉशरूम वंदे भारत का। इंडियन सीट, सॉरी इंग्लिश सीट है यहाँ पे, एकदम साफ सुथरी। दोस्तों पानी की बोतल दी है 1 लीटर की, और बिस्किट्स एंड ये जिंजर चाय का वो दिया है इंस्टेंट। अभी कुछ ही देर में इसका दूसरा सामान दिया जाएगा। मतलब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 1 लीटर पानी की बोतल प्रोवाइड करी है, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ शताब्दी में 1/2 लीटर पानी प्रोवाइड होता है। ये देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर क्या करें, पंजाब के पहले वंदे भारत की जो कवरेज है इतना। दोस्तों ब्यार जंक्शन पर पहली बार पहुंचते हुए पंजाब के पहले वंदे भारत अमृतसर दिल्ली वंदे भारत। ये देखिए लोग कैप्चर करने के लिए आए हुए हैं इस ऐतिहासिक पल को। ये देखिए ब्यास। अभी कुछ ही देर में जब दरवाजे खुलेंगे आपको लाइव दिखाया जाएगा कि वंदे भारत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। हम उतरेंगे नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है, एकदम से बंद हो जाते हैं। ये देखिए हम ट्रेन के अंदर से ही कैप्चर कर रहे हैं। ब्यास जंक्शन पर जोश देखिए, उतर ही जाते हैं। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जोश है पंजाब के लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज बहुत अच्छी है। इस तरह से बंद होते हैं वंदे भारत के दरवाजे। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों अभी अपनी अमृतसर वंदे भारत जलंधर सिटी को क्रॉस करेगी, मतलब जलंधर सिटी की पहली ट्रेन है जो कि जलंधर सिटी ना रुक के जलंधर कैंट में इसको होल्ट दिया गया है। और ये देखिए वेब्स WAG9 हमारे स्वागत में खड़ा है। और ये देखिए जलंधर सिटी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप करेगी अपनी अमृतसर दिल्ली वंदे भारत। मतलब पंजाब में इसका क्रेज है कि जैसे पंजाब में एक नई गाड़ी आई, और सामने खड़ी है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ठीक है जी। और ये जलंधर सिटी को स्किप करते हुए अपनी, ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब जब शेड्यूल आया था हमारे को खुद उम्मीद नहीं थी कि जलंधर सिटी को स्किप करके जलंधर कैंट खड़ी होगी। जलंधर कैंट इसलिए दिया गया क्योंकि अमृत भारत योजना के तहत जलंधर कैंट अब बहुत बड़ा स्टेशन होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपने देखा होगा चैनल पर जाके, प्लीज उसके बारे में वीडियोज देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए जलंधर सिटी, ये देखिए लोग लाइनों में खड़े हमारे स्वागत में खड़ा WDM3 है, बहुत इसने अच्छा काम किया है। और ये है वेब 7। एक त्योहार का रूप ले चुका है, त्योहार के तौर पे मनाया जा रहा है वंदे भारत।
दूर नहीं जा रहा डोर से क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है, कभी बंद हो सकते हैं। भाजी के घर के पास में है, ये मेरा होम टाउन है और मैं स्वागत करता हूँ अपने भाई का जलंधर कैंट में। लाइक जरूर करें और इस ट्रेन में सफ़र जरूर करें, बहुत ही शानदार गाड़ी है। जलंधर से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में पहुँचाएगी आपको, 9:15 चल के 1:15 पहुँचा देगी। प्लीज चैनल को लाइक करें। गजब बेचती है भाई, अपने पहले ही रन में दादर एक्सप्रेस ने पीट दिया। दोस्तों ये वंदे भारत का लंच, अमृतसर वंदे भारत का पनीर, ये मिक्स वेज, दाल, राइस, अचार, 3 रोटी और रसगुल्ला। दोस्तों रोटी के अलावा सब कुछ ठंडा है, जिसके कारण मैं इसको ओवरऑल कहूँगा क्वांटिटी भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। अगर ये गर्म होता तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर दे देता, बट ये है कि अभी पूरा ठंडा सिर्फ रोटी के अलावा मैनेजेबल है, तो मैं इसको ओवरऑल 7 नंबर दूंगा। तो ये है अमृतसर वंदे भारत का लंच का रिव्यू। वंदे भारत में इतनी भीड़, ऊपर से ग्राया में खड़ी है पिछले 25 मिनट से। हमारे इंडियन रेल मुसाफिर प्लीज इनके चैनल पे जाके सारी वीडियोस देखें, लाइक करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई। करंट आता है इसमें ना भाजी, करंट आजूगा, ना करो भाजी, करंट आजूगा। अच्छा सेंसर आ ले, तो सानू पता ही नहीं सी। दोस्तों अमृतसर दिल्ली वंदे भारत का पहला रन आज कंप्लीट हो गया है। अमृतसर से दिल्ली हम पूरे 5.5 घंटे में पहुंच चुके हैं। भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही शानदार गाड़ी बनाई है, हर तरह की सुख सुविधाएं इसमें दी हैं, वॉशरूम्स वगैरह बहुत ही कंफर्टेबल है, सामान रखने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है और वाटर होल्डर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा है। तो हम रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं इस गाड़ी को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करें और इस गाड़ी का ध्यान रखें। ये देखिए, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जसवी जर्नी क्लब।